टुडे इज 15, 16th है, आज क्या है, कौन सी डेट है? मार्च 16 16 अप्रैल 2021 फ्राइडे। बेटा वी हैड स्टार्टेड विद पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? आई हैड टोल्ड यू दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू सिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर। ये मैंने आपको बताया था कि ये तीन टाइप की है। हाँ जी, कौन कौन सी टाइप्स है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी शिवांशी, ऑटोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। देन अनदर इज गेटोनोगैमी। ये आपको मैंने बताया था, लिखा हुआ है आपने, अकॉर्डिंग टू जेनेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। एंड थर्ड इज जीनोगैमी और एलोगैमी और क्या बोलते हैं इसको, और इसका नाम है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, वेरी गुड। ठीक है जी, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। इधर भव्य हरगुण शिवांशी, ठीक है, ऑटोगैमी क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी? बेटा ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर पे पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है कि इट शुड बी बायसेक्सुअल फ्लावर, इजंट इट? ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट बायसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर में होना चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा सेम फ्लावर का होना चाहिए। दूसरी चीज है कि चलो बायसेक्सुअल फ्लावर है, तब क्या गारंटी है कि सेल्फ पॉलिनेशन है? गारंटी तभी हो सकती है अगर वो सेल्फ कंपेटिबल है, अगर पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे आकर जर्मिनेट कर सके। कई बार क्या होता है तो बायसेक्सुअल फ्लावर है बट दे आर सेल्फ इनकम्पेटिबल, अगर अपना पोलन अपने स्टिग्मा पे आ जाए तो स्टिग्मा उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देता। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि द टू शुड बी सेल्फ कंपेटिबल, पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर शुड बी सेल्फ कंपेटिबल। और तीसरा, चलो सेल्फ कंपेटिबल भी ठीक है, तीसरा कि दोनों एक ही टाइम पे रिलीज हो, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा मैच्योरेशन शुड मैच। ठीक है, इधर से पोलन रिलीज हुए, पोलन मैच्योर हुए, वो रिलीज हुए अंतर से, और उधर स्टिग्मा भी मैच्योर है टू रिसीव द पोलन। अगर स्टिग्मा इमैच्योर है वो रिसीव कर ही नहीं सकता, चाहे वो सेल्फ कंपेटिबल है या नहीं, तो पोलन उसके ऊपर आके क्या करेंगे? Am I right? ठीक है, जैसे लेट अस से फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में, आपको बहुत ज्यादा ह्यूमंस का अभी पता तो नहीं, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, कि ह्यूमंस के स्पर्म्स आए और उधर से एग भी उसी टाइम आए, तभी तो दोनों फ्यूज होंगे। स्पर्म्स आ गए
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बट स्पर्म्स की एज कितनी होती है? दैट इज मैक्सिमम 48 आवर्स, 2 दिन तक रहते हैं। बट एग आया नहीं, एग हफ्ते बाद आया फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में इन तक, ठीक है, तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? तो इसी तरह से पोलन मैचुरेशन या पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी शुड मैच या शुड अकर एट द सेम टाइम, ओनली देन देयर अकर सेल्फ पोलिनेशन। तो सबसे पहले हम जो है एक पर, नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायरमेंट्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है बेटा कि, ध्यान से मेरी बात सुनो इधर, सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है असेंशियल। किसमें? ऑब्लिगेटरी इन क्लिस्टोगैमस प्लांट्स। ध्यान से सुनो क्योंकि कुछ चीजें आपने खुद लिखनी है कॉपी में। क्लिस्टोगैमस प्लांट्स का क्या मतलब है? क्लिस्टोगैमस प्लांट्स जो कभी खिलते नहीं है, वो हमेशा बंद ही रहते हैं और फ्रूट बना के फिर वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर, यू नो, दीज आर असेंशियल, जो कभी खिलेंगे ही नहीं, ठीक है, जो कभी खिलेंगे ही नहीं, जो कभी ओपन ही नहीं होंगे फ्लावर, तो बाहर से तो पोलन आ ही नहीं सकता, डू यू गेट मी? इसलिए उनको सेल्फ पॉलिनेशन ही करनी पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कॉमेलाइना, अनदर इज पी प्लांट, जो हमारे मटर के प्लांट्स है, कॉमेलाइना, पी, राइस एटसेट्रा हैज बोथ टाइप्स ऑफ प्लांट्स, दैट इज FLS मीन्स प्लांट्स, कौन से बोथ टाइप्स के, दैट इज क्लिस्टोगैमस एज वेल एज Chesmogamous जो है वो क्लिस्टोगैमस के ऑपोजिट है। तो अब बताओ मुझे, हाँ जी भव्य, व्हाट डू यू मीन बाय Chesmogamous फ्लावर, जल्दी से पहले मुझे बता दे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या है। Clistogamous, which never undergo anthesis, anthesis means फूल का खिलना, that is anthesis, right? And Chesmogamous, which undergo anthesis, which never undergo anthesis, Chesmogamous means which undergo anthesis, is it right? So Commelina, pea and rice में दो type के flowers है, anthesis means opening of flower bud into a flower, that is anthesis, ठीक है, anthesis आप side में या ऊपर करके लिख लेना। anthesis का क्या मतलब है? Opening of flower bud into a flower, जिसमें कभी भी emphasis नहीं होती, जो करते हैं, ठीक है। तो self pollination is obligatory in Clistogamous flowers,
राइट पहले एक चीज सुन लो फिर लिखना. शिवांशी भव्य है बेटा सुन लो पहले. दूसरा है इन चैज्मोगैमस क्लास. इन चैज्मोगैमस बाइसेक्सुअल क्लास. द पोलन ग्रेन्स and pistil should be self-compatible. बेटा दो अगर हस्बैंड वाइफ में कंपेटिबिलिटी नहीं होती तो वो साथ में ही नहीं रह पाते. इज इट राइट? दो फ्रेंड्स में कंपेटिबिलिटी नहीं है, फ्रेंड्स तो वो है ही नहीं, पर दो लोगों में फ्रेंड कंपेटिबिलिटी नहीं है तो फिर क्या है, वो दो फ्रेंड्स नहीं बन सकते. इसी तरह से यहाँ पे पोलन एंड पिस्टिल में अगर कंपेटेबिलिटी नहीं है तो चैज्मोगैमस फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती. इसलिए चैज्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में द पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल शुड बी पिस्टिल. हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर दो ऑफ द सेम फ्लावर should be self-compatible for self-pollination. और तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, ध्यान से सुनो पहले फिर लिखना. थर्ड कंडीशन है द चैज्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शुड बी होमोगैमस. क्या मतलब है? दैट इज the pollen maturation and stigma receptivity should be simultaneous. ये है होमोगैमी. होमोगैमी मतलब दोनों साइमल्टेनियस होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद सेल्फ कंपेटिबल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होने चाहिए. इन कंडीशंस में क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, ठीक है. करो, मैंने एक तो आपको बताया होमोगैमी, वहां भी बता दिया था कि पोलन मैचुरेशन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी शुड बी सिंक्रोनस. दूसरा होमोगैमी को हम और भी एक अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट द सेम टाइम ऑफ सेम फ्लावर इन फैक्ट, राइट. देन व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. आई हैव टोल्ड यू शिवांशी हियर कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर दोज व्हिच डू नॉट शो एंथेसिस. यू नो व्हाट इज एंथेसिस. Second point is anther and stigma of these flowers lies close to each other. Stigma of these flowers lies close to each other. They are so close that when the anther dehisces, the pollen grain, they directly land on the stigma of the same flower. Right? And another thing, seed set is assured. कोई हवा चले ना चले, पानी है नहीं है, या फिर कोई इंसेक्ट है या नहीं है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में, राइट. सो सीड सेट, सीड्स कब बनते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सीड सेट इज अश्योर्ड इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स
इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट ना हो तब भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में सीड्स बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि वहां पर ऑब्लिगेटरी सेल्फ पॉलिनेशन होती है. देन व्हाट आर द, तो फिर हम जो है बच्चे प्लांट्स को तो सीड्स चाहिए है राइट, क्योंकि उन्होंने रिप्रोड्यूस करना, तो दे रिक्वायर सीड्स. देन व्हाई व्हाई डोंट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स? What is, there must be some disadvantage of cleistogamous flowers due to which during evolution there are maximum of chasmogamous flowers. Very few are cleistogamous flowers. So what do you think? What is the disadvantage? Yes, Hargul. Yes, ma'am. What is the disadvantage of cleistogamous flowers? Ma'am. शिवांशी आप बताओ. क्या हो सकता है? अच्छा चलो मुझे थोड़ा सा सिंपल भाषा में, जो हमने टेंथ में भी किया है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में से कौन सा बेटर है? मैम क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाई क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन? मैम इवोल्यूशन हो सकती है उससे. एवोल्यूशन, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन. डू यू गेट मी? एंड दैट इज व्हाई अगर सभी फ्लावर्स क्लिस्टोगैमस होंगे तो क्या होगा, जो सीड्स बनेंगे देयर विल बी द यू नो कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी. और अगर वेरिएशंस नहीं आएंगी तो बेटा क्या होगा, कोई डिजीज आया, कोई इंसेक्ट आया उसको खाने, तो पेरेंट भी वैसा, आगे बच्चे भी वैसे, कोई वेरिएशन आ नहीं रही है, तो क्या होगा, वो इंसेक्ट पूरे के पूरे फील्ड को खत्म कर देगा. बट अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर ह्यूमंस में, हमने क्यों ये कहा कि ह्यूमंस में सिबलिंग्स में शादियां नहीं होनी चाहिए, एक ये रूल बना ना सोसाइटी में कि बहन भाइयों में शादियां नहीं होनी चाहिए. अब तो हमें मतलब हमें सोच के ही बुरा लगता है हमारे इतने माइंड में कि ब्रदर सिस्टर्स की शादी ये कभी हो सकता है, बट है तो वो मेल फीमेल ना. बट ये कैसे सोसाइटी को पता चला कि ये नहीं होनी चाहिए? इट हैज द साइंटिफिक बेसिस कि क्या होता है, बहुत सारे क्योंकि सेम पेरेंट्स के आएंगे तो डिजीजेस ट्रांसफर करते हैं, बहुत सारी जीन्स होमोगैमस आ जाएंगी, मतलब सेम सेम हार्मफुल जीन्स इकट्ठी हो जाएंगी. ठीक है, तो जो आगे से आगे आगे से अगर ब्रदर सिस्टर्स में शादियां होती रही तो आगे से आगे जनरेशंस क्या होंगी, वीक होती जाएंगी, डिजीज्ड होती जाएंगी, सुपीरियर नहीं होगी. तो हम क्या कहते हैं, शादियों में भी हम कहते हैं ना कि भाई बहुत सारी चीजें होती है कि बिल्कुल ही अगर मेरी कास्ट कालिया है तो हमने अपनी डॉटर की शादी कालियाज में नहीं करनी है, है ना, चाहे वो किसी दूसरी कास्ट में करनी है, मेरा मतलब कालिया ना हो बाकी कोई सी और दूसरी हो जाए. ठीक है, तो हम ये चीजें देखते हैं क्योंकि क्या है कि भी हम क्या चाहते हैं कि कई 5-7 जनरेशंस तक हमारे कोई कॉमन एंसेस्टर्स ना हो. ठीक है, ताकि डिजीजेस ट्रेवल ना करें आगे की. हम क्यों चाहते हैं कि एक डिफरेंट लोगों से शादी करें ताकि आगे की हमारी जनरेशन इंप्रूव हो, वेरिएशन आए. तो यही चीज है. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी? ठीक है, तो इसमें लिख लो, साथ साथ ही लिख लो. ऑन दो मैम पहले वाला नहीं लिखना अभी. अच्छा अभी हमने ये लिखा, पहले चलो फिर ये सुन लो फिर लिखना ये. तो फर्स्ट आइटम, ऑल दो इट प्रोड्यूसेस एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब जरूरी है, होगा ही होगा, एश्योर्ड सीड सेट, बट सीड्स विल प्रोड्यूस offspring similar to parents.
या सच रिप्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। कॉन्टिन्यूअस पहले इधर देख लो जरा, अगर कॉन्टिन्यूअस इनब्रीडिंग होगी फॉर सेवरल जनरेशन, कॉन्टिन्यूअस इनब्रीडिंग फॉर सेवरल जनरेशन प्रोड्यूस इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? रिडक्शन इन फर्टिलिटी एंड रिडक्शन इन बेटर कैरेक्टर। That is called as inbreeding depressions. इसी कारण से, ध्यान से मेरी बात सुनो, इसी कारण से ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लिस्टोगैमी से ये श्योर है कि प्लांट सीड बनाएगा ही बनाएगा, तो फिर क्यों नहीं सभी प्लांट्स में क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते? क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, एंड सेल्फ पॉलिनेशन इट कॉजेस इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इज इट ओके? फर्दर जेनरेशन विल नॉट बी बेटर, इज इट ओके? ठीक है, चलो लिख लो पहले। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, contrivances for cross pollination. Outbreeding मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या requirements है, that is contrivances for cross pollination. लिख लो, various conditions required to promote cross pollination, various conditions required to promote cross pollination are called as outbreeding devices. Dioecious plants having unisexual flowers. इसका क्या मतलब है? या हम कह सकते हैं separate male and female plants show obligate cross pollination. जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल पपाया, मेल प्लांट अलग है फीमेल प्लांट अलग है, तो वहां पे सेल्फिंग तो हो ही नहीं सकती, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ही जाएंगे पोलन के। फॉर एग्जाम्पल पपाया, अनदर इज डेट पाम, दूसरा आ जाता है बेटा, ध्यान से देख शिवांशी, इन
plants have wings. Bisexual plants. Agar plants bisexual hai, then how do cross pollination occur? Self incompatibility. Self incompatibility ka kya matlab hai? The pollen cannot germinate on stigma of same plant. वो अपने फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं होते. Another is prepotency. Prepotency का क्या मतलब है कि जो बाहर से पोलन आ रहे हैं और अपने पोलन लटक से, ये स्टिग्मा है. ये सेल्फ पोलन है. सेल्फ पोलन मीन्स अपने ही फ्लावर के है और ये पोलन ऑफ डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम स्पीशीज. अगर अमरूद का पेड़ है तो अमरूद के ही पोलन आएंगे बाहर, राइट. मैंगो का है तो मैंगो के ही पोलन, ठीक है. बट ये पोलन, बट तो यहाँ पे प्रीपोटेंसी, ध्यान से देखो नहीं भूल जाओगे. प्रीपोटेंसी में क्या है? द पोलन ऑफ डिफरेंट प्लांट कैन जर्मिनेट इजिली देन द सेल्फ पोलन. इज इट राइट? तो लिख लो प्रीपोटेंसी. ये लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी लिखा. चलो पहले फिर सुन लो प्रीपोटेंसी का क्या मतलब है. Foreign pollen can germinate earlier than self pollen. तो जब तक self pollen germinate करेंगे तब तक pollination हो चुकी है, fertilization हो चुकी है. तीसरा है डाइकोगेमी. होमोगेमी का ऑपोजिट है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ सेम फ्लावर जर्मिनेट at different time. ठीक है. ध्यान से देखो प्रोटेंड्री. एंड्री मतलब मेल, प्रो मतलब पहले. प्रोटेंड्री का क्या मतलब है? मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन फीमेल सेक्स ऑर्गन. और दूसरा है प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन मेल सेक्स ऑर्गन. दिस इज डाइकोगेमी. पहले यहां तक लिखो फिर एक और बताऊंगी हर्कोगेमी. जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म.
और एक फोर्थ आ जाता है बेटा, दैट इज हर्कोगेनी। That is physical barriers between anther and pistil of same flower, which prevents self-pollination. जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देती हूँ कि सिग्मा इतना हाइट पे है और एंथर्स ऐसे, ये एंथर्स में से जो पोलन्स निकलेंगे वो अपने आप, इधर ध्यान से, वो अपने आप सिग्मा पे पहुंच ही नहीं सकते, तो इसलिए सेल्फ पोलिनेशन होगी ही नहीं। और जब इंसेक्ट्स वगैरह पोलिनेशन करेंगे तो वो यहाँ से पोलन उठाएंगे, कहीं और जाएंगे। हवा करती है तो इसमें से हवा पोलन उठाएगी, दूसरे फ्लावर पे लेके जाएगी। इस तरह से इट इज ए टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर, जहाँ पे कि दोनों की पोजीशन, एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन ऐसी है कि सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकती। दिस इज कॉल्ड एज हर्कोगेनी। ठीक है, ये लिख लो फिर। उसके बाद हम एक पॉइंट, जो स्टार डाल के पॉइंट लिखना, जो गेटोनोगैमी है ना, ये क्या करती है गेटोनोगैमी? यू नो द फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। ठीक है, गेटोनोगैमी प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट एलोगैमी। एग्जाम्पल मेज, अनदर इज Kester, another is coconut palm. ठीक है, gametogamy, you know that pollination between the flowers of the same plant, different flowers of the same plant. ठीक है, ये point लिख लो। gametogamy prevents autogamy, but not allogamy. और हम एक और बात कर सकते हैं, एक और ध्यान से, यूनिसेक्सुअल मोनोशियस प्लांट्स, इसको हम दूसरे वर्ड्स में लिखेंगे। यूनिसेक्सुअल मोनोशियस प्लांट्स मीन्स प्लांट्स हैविंग both male and female flowers. ठीक है, unisexual monoecious plants prevents autogamy but not gametogamy. इसका मतलब है कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों है तो उनमें ऑटोगैमी तो नहीं होगी, बट उसमें गेटोनोगैमी हो सकती है। राइट, गेटोनोगैमी भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। राइट, ये पॉइंट भी देखिए।
ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था, बट थोड़ा सा और ऐड हम कर रहे हैं. Unisexual dioecious plant, diocy. It prevents both autogamy and gametogamy. जिसमें separate male plant है, female plant है. So, but promote cross pollination. ठीक है जी, हो गया बेटा, करें आगे. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इट रिक्वायर्स एबायोटिक. एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और लिविंग एजेंट्स विच ट्रांसफर पोलन. That is cross pollination. It requires abiotic or living agents. Living को हम क्या कह सकते हैं? Biotic. Abiotic मतलब non living और biotic agents which transfer pollen. तो हमारे पास एबायोटिक एजेंट्स कौन से हैं? एयर एंड वाटर, इधर ध्यान से. एंड बायोटिक एजेंट्स कौन से हैं? बायोटिक एजेंट्स आ जाते हैं बेटा, सबसे कॉमन है इंसेक्ट्स, उसके बाद है बर्ड्स, फिर उसके बाद डिफरेंट एनिमल्स, हायर एनिमल्स, देन स्नेल्स, स्नेक्स एक्सेट्रा, और फिर इसमें एक और आ जाते हैं बैट्स. अगर बाई एयर हो रही है तो इट इज एनिमोफिली टर्म आ जाता है. एनीमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाई एयर. दिस इज हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाई वॉटर. इंसेक्ट से है एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट. बर्ड्स के लिए टर्म आ जाती है और ऑर्निथोफिली, आप पूरा लिख लो. और एनिमल्स के लिए टर्म आ जाती है सिंपल जूओफिली. स्नेल्स के लिए टर्म आ जाती है मलेकोफिली. स्नेक्स के लिए टर्म आती है ओफियोफिली. और फिर आ जाते हैं बैट्स, काइरोप्टेरोफिली. दीज आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक एंड बायोटिक.
बस दो पॉइंट्स और सुनो फिर लिखना. मोस्ट प्रिमिटिव पॉलिनेटिंग एजेंट. सबसे पहले जब पॉलिनेशन शुरू हुई तो किससे हुई? सबसे पहले किससे हुई? एयर से. एयर और विंड. मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स शो पॉलिनेशन by biotic agents. सबसे पहले पॉलिनेशन एयर से शुरू हुई बट अब धीरे धीरे होके मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स दे आर पॉलिनेटेड बाय बायोटिक एजेंट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिखो जो राइट डाउन. दिस इज बिकॉज इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने लिखा है वाई. तो दिस इज बिकॉज पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट्स इज नॉन डायरेक्शनल. पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट्स इज नॉन डायरेक्शनल एंड इज दस हाईली वेस्टफुल. एंड इज दस हाईली वेस्टफुल. Whereas biotic agents are specific for their plants. And visits only specific plants. Therefore, they perform and they visit specific plants and thus, yeah, therefore, therefore they conserve pollen. As there is no wastage of pollen. That is why during evolution most of the plants develop adaptations for different biotic agents to perform pollination. Is it okay? ठीक है बेटा. तो आज हम यहां तक करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कि अगर प्लांट्स एयर से पॉलिनेशन है तो उसमें क्या अडैप्टेशंस है. इंसेक्ट से पॉलिनेशन है तो क्या अडैप्टेशंस है. तो ये पॉइंट करेंगे एंड वी मे हैव क्लास ऑन संडे राइट.